विक्रम को इंस्पेक्टर गुप्ते के साथ देखकर कृष्णकांत सावधान हो जाता है। वो मिनिस्टर के पीए से इंस्पेक्टर के ट्रांसफर की मांग करता है। आश्विनी रघुनाथ और कृष्णकांत को विक्रम पर हमला करने की साजिश करते हुए सुन लेती है। प्लान के अनुसार मुनावर विक्रम को पार्किंग में लेकर आता है। रघुनाथ और कृष्णकांत भी यह खतरनाक तमाशा देखने वहां पहुंच जाते हैं। आश्विनी बलराज के साथ विक्रम को सावधान करने ऑफिस पहुंच जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गोली सिर्फ घसीट कर गई है, कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज जल्दी। यस डॉक्टर साहब, आप इनके कौन हैं? प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैं नहीं पूछना चाहता हूं कि इनके फैमिली से कोई। मैं ओके ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, ये विक्रम कपूर है ना, इन्हीं की गोली लगी है। आप इनके कौन? जस्ट शट अप, लीव मी अलोन। या ओके, या आई विल सी टू इट पर्सनली। ओके बाय। यस हरीश, क्या रिपोर्ट है? सर, गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। वॉचमैन वहां था नहीं और गैराज खाली था। और वो टेलीफोन ऑपरेटर? सर, उसने ना ही किसी अननोन पर्सन का थ्रेट कॉल अटेंड किया या उसे ट्रांसफर किया। अब पर्सनल कॉल के बारे में मिस्टर विक्रम ही बेहतर जाने। मुझे इस कपूर फैमिलीज की पूरी डिटेल्स चाहिए सर। मिस्टर गुप्ते ने जो भी रिपोर्ट बनवाए हैं या जो भी स्टेटमेंट्स लिए हैं, वो सारी की सारी मेरे टेबल पर आ जानी चाहिए सर। और ये ड्राइवर होश में आ गया? जी हाँ सर, वो उस कमरे में। हरीश, तुम जरा हॉस्पिटल फोन करके विक्रम की कंडीशन का पता करो सर। तब तक मैं उस ड्राइवर से मिल लेता हूँ। मिस्टर रघुनाथ, मिस्टर विक्रम को किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है? हमें ना ही किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है और ना ही हम किसी से डरते हैं। Our business is not just our business, it's our pride. मिस्टर विक्रम की जान की कीमत क्या मांगी गई थी, आप बता सकते हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी करतूतों की वजह से हमारी तरक्की रुकने वाली नहीं है। ये काम आपके किसी बिजनेस क्लाउड का भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक मैं विक्रम से बात नहीं कर लेता कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिस्टर विक्रम अब कैसे हैं? वही तो मैं देखने जा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे रोक लिया। एक्सक्यूज मी। मिस्टर रघुनाथ जी, आपको जान को कोई खतरा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। मरने वाले सिर्फ कीमत देखते हैं, इंसान नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर बलराज। हेलो, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। खून ज्यादा बह जाने की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल उसकी फिक्र मत कीजिए। फैक्ट्री से सारे मजदूर आ जाएंगे, जितना चाहिए खून मिल सकता है। बस आप इसे जल्द से जल्द होश में लाइए प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर बलराज, यू आर एजुकेटेड पर्सन, इट विल टेक सम टाइम। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अब आप अपना वादा निभाइए। जो लीगल फॉर्मेलिटीज बची हैं वो पूरी कर लेते हैं। यस डॉक्टर, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, इट्स ऑल राइट। सर, मिस्टर विक्रम को दो चार घंटे में होश आ जाएगा। जख्म गहरा है पर उनकी जान को कोई खतरा नहीं। एसीपी साहब ने शहर के मेन एंट्रेंस की नाकाबंदी कर दी है। उन शूटर्स का मिलना बहुत जरूरी है। हरीश सर, ऑफिस स्टाफ का कहना है कि विक्रम किसी मुनावर नाम के आदमी के साथ बाहर निकला और उसके बाद उसे ढूंढते हुए ये बलराज और ये अश्विनी वहां पहुंचे। सर, प्यून भी यही कह रहा था कि ये बलराज और वो लड़की काफी जल्दी में थे। वो जो मुनावर साथ में था वो कहां गया? उसे भी गोली लगी या फिर उस पर गोली चली ही नहीं? अस्पताल चलना होगा। जवाब देना है ना, सोच समझ कर देना, वो ठीक जगह पहुंच जाना चाहिए। जी। मेले से पकड़ कर ले आए थे जी। अरे क्या हल्का निशाना लगाया उन्होंने। मैंने कहा था कि गोली सीने के आर पार निकल जानी चाहिए। सब तकदीर का खेल है साहब, विक्रम की तकदीर।
ये खेल मैंने खेला था मुन्ना, और जब रघुनाथ खेल खेलता है ना तो तकदीर तमाशा देखती है, समझे? सोच लो, खेल खेलना है या तमाशा बनना है? दफा हो जाओ। मैं जानती हूँ ये काम किसने किया है, मुझे सब कुछ बताना ही होगा। मैं सब कुछ बता दूंगी, विक्रम की जान को खतरा है, मैं चुप नहीं बैठ सकती। क्या सोच रही हो? बलराज, बलराज अब मैं चुप नहीं रह सकती, अब तो विक्रम की जान को भी खतरा है, हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं आशु, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। जल्दबाजी की क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ना इनकी और रघुनाथ जी की बातें सुनी थी। अशोक, मैंने सुना था इन्होंने और रघुनाथ जी ने विक्रम को मारने का प्लान बनाया था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। एक मिनट, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए मैंने ये बात बलराज को भी बताई और हम दोनों ऑफिस पहुँचे। क्या तुम ये बात कोर्ट में बता सकोगी? मैं कहीं भी बता सकती हूँ। क्या हुआ बेटी? जी, कुछ नहीं। तुम्हारी माँ भी इसी तरह सोचा करती थी, सोचती फिर परेशान होती और फिर झगड़ा करती। एक दिन कुछ ऐसे ही सोचते सोचते उसके पल्लू को जलते चूल्हे ने पकड़ लिया और निगल भी लिया। कुछ पता ही नहीं चला। तुम इतनी सी थी बिटिया, तुम्हें कुछ याद है? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो बच ना सकी। अपना पसीना पोंछ लो बेटी, इसे भूल आई थी तुम दरवाजे के पास। अपने दोस्त बल्लू को कहो कि मैं अपनी पत्नी खो चुका हूं, उसकी निशानी नहीं खोना चाहता। हाँ, तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं। तुम खाओगी भी कैसे, यहाँ खाने के लिए तो कुछ है भी नहीं। मैं ही चाय पीता हूँ, एक कटिंग देना भाई। अभी बनाया? बस बस बस, गरम है भाई, गरम है। क्या हुआ? क्या
ये तो तुम्हारे ब्रदर है। Let's not waste time. तुम गाड़ी में बैठो। Set in the car, fast. चलो। Sit, sit, sit. Relax, okay, relax. हॉस्पिटल का नाम क्या लिखा है पता? Come on. वैन मेरे पीछे थी, मैं दौड़ रहा था। कितने हमलावर थे? दो थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, यकायक उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। गोली लगी, मैं गिर गया। बल्लू वहां पहुंचा और वही मुझे यहां ले आया। किसी का चेहरा याद है आपको? नकाब पहना था उन्होंने चेहरों पर, काले रंग। शक्ल नहीं देख पाया मैं। ठीक है, साइन प्लीज। जी स्टडी। थैंक यू वेरी मच। दो कॉन्स्टेबल्स खड़े कर देना बाहर, और जब मैं कहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, बाहर कोई नहीं रुकेगा। लेकिन एसीपी साहब ने कहा है मुझसे। मैं उनसे बात कर लूंगा। देखिए, उनकी परछाइयां यहां भी पहुंच सकती हैं। हमें होशियार रहना चाहिए। You see, today's attempt was perfect planning. I know. सावन साहब, आपको सिर्फ उनकी परछाई नजर आती है, मुझे वो नजर आते हैं, साफ, सूरज की रोशनी की तरह, दूर दूर तक। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। आपसे पहले इंस्पेक्टर गुप्ते इस केस पर ऑफिशियली काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। करवा दी गई, व्हाटएवर इट इज। मगर अब आप हैं, और मैं और आप मिलकर इस हादसे का फायदा उठा सकते हैं। गुप्ते की यह ट्रांसफर उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। दैट्स बेटर। अच्छा, हादसे के वक्त बलराज और वो अश्विनी सर, हाँ, वो लड़की आपसे मिलने आए थे, क्यों? मैं नहीं जानता। मैं जान लूंगा। एनीवे, टेक केयर। मां, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं उसे दूर से देखूंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी। देखो, उसका ना अपने दिमाग पर काबू है और ना ही अपने गुस्से पर। कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो ठीक नहीं होगा। अब कहने के लिए बचाई क्या है? इतने भी तो बुरे नहीं हमारे संबंध, प्लीज। अरे क्या बचपना कर रही हो, आओ बैठो, बैठ जाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन कोशिश की भी। मिस्टर विक्रम कपूर, प्लीज जल्दी बताइए कौन सा रूम है वो। क्या हो गया ब्रदर को? ये लोग मुझे उसे मिलने नहीं दे रहे, कह रहे कि वो गुस्सा हो जाएगा। पहला बेटा कभी माँ को देखे गुस्सा होता है? हाँ, बोल ना। देख देख, तू उसे समझा, बोल माँ आई है मिलने। बताएगी ना तू उसे? समझाएगी ना? तेरी बात वो कभी नहीं टालेगा, बताएगी ना? हाँ, विशु को विक्रम के पास ले जाओ। ठीक है सर। देखा, देखा आपने, मेरी बेटी भी मुझसे। भगवान, मैं क्या करूं? शांत हो जाओ, आगे। शांत हो जाओ। Yeah.
तुम कौन हो? सर अमर, अमर नाम है मेरा। क्या करते हो? जी मैं पढ़ता हूँ, विशाखा के साथ पढ़ता हूँ। आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। देखिए विक्रम बाबू की बहन है, इनका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, बेबी तुम जाओ। चलिए कैसे आई? तुम्हें कौन ले आया यहाँ? ये सब क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो पहले। तुम शहर में क्यों आई? तुमसे मिलने आई हूँ मैं। तुम चले जाओ वापस। कुछ ठीक नहीं है यहाँ, घर पर भी अभी पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तुम जाओ। मम्मी तो वो तुम्हारी मम्मी नहीं रही। समझ में नहीं आ तुम्हें कुछ समझना नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं है। तुम जाओ तुम देखो हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। नहीं रुकेंगे हम यहाँ पे। तुम ऐसी हालत में? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कोई भी अपना नहीं रहा है। क्यों आई? पापा होते ना तो ये सब, लेकिन हम दोनों को ये सब कुछ देखने के लिए अकेला छोड़, हम नहीं रुकेंगे बाबू, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। छूना नहीं मेरी बहन को, छूना नहीं बिल्कुल। माँ तुम चली जाओ यहाँ से। विशु इस औरत से कह दे, इस औरत से कह दे कि मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए, नहीं आए मेरे सामने, कह दे इससे। माँ प्लीज चले जाइए यहाँ से। तुम बैठो भैया यहाँ। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे पास, अब तुम सो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम सो जाओ। विशु मुझे कहना कि ये एक सपना है, कल सुबह जगूंगा तो सब ठीक, ऐसा लगेगा कि भयानक सपना देखा, लेकिन नहीं, तो प्लीज ये एक भयानक सच्चाई। नहीं तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं रुको, हम दोनों जाएंगे। हाँ हाँ अब तुम शांत हो जाओ। हम दोनों तुम चुप रहोगे मुनव्वर, एक बात याद रखो, उड़ते हुए पंछी कभी अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते हैं। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा, मगर विक्रम ने अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो उस कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आग से आग भले ही ना पूछती हो, जहर को उतारने के लिए जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है। रघुनाथ जी, विक्रम का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मनोवर, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भी समझा चुका हूँ, इस तरह डरते रहोगे ना तो
नहीं सर, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। अगर अगर विक्रम ने कुछ कह दिया तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? वो कुछ नहीं चाहेगा, जान भी नहीं सकेगा, क्योंकि रघुनाथ ने ये सब काम एक नकाब में कर दिया है और यही उसकी खासियत है। इस नकाब के पीछे एक चेहरा छुपा हुआ है, खौफ। Thank you.